बांग्लादेश बीते काफी दिनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा के बीच में हालात बेहद खराब हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्तियों को फूंक रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच में पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत चली आई। खबरें ये भी हैं कि हमेशा के लिए अब उन्होंने राजनीति को अलविदा कहने का मन बना लिया है और उसके साथ ही वो कभी भी अब बांग्लादेश लौट कर नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके पिता के साथ जिस तरह से सुलूक हो रहा है, उनकी मूर्तियां गिराई जा रही हैं, उससे वो बेहद दुखी हैं। शेख हसीना के बेटे और राजनीतिक सलाहकार रहे शाहजेब वाजेब जॉय ने एक इंटरव्यू के दौरान ही खुलासा किया है। फिलहाल हसीना लंदन जाने के क्रम में भारत पहुंच चुकी हैं और आने वाले समय में वो लंदन रवाना हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें किसी सुरक्षित स्थान में फिलहाल रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ बीबीसी से बातचीत के दौरान जॉय ने साफ कर दिया है कि हसीना की अब राजनीतिक वापसी कभी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हसीना इस बात से बेहद निराश हैं कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हसीना कल से ही इस्तीफा देने के बारे में सोच रही थी और जब परिवार ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बदल गई है। जब वो सत्ता में आई तब बांग्लादेश एक असफल राज्य और एक देश के रूप में माना जाता था। वो बेहद गरीब देश था, लेकिन आज तक भी उसे एशिया का सबसे उभरता हुआ शेरों में से एक माना जाता है और इस स्थिति को देख करके अब वो निराश हैं। इसके अलावा जॉय ने आगे ये भी कहा कि मैंने उनसे सुबह बात की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। वो बेहद निराश हैं, वो उनके लिए बेहद दुखद और कठिन समय है, क्योंकि वो बांग्लादेश के वो एक विकसित देश के रूप में बदलना चाहती थी और उसके लिए वो बीते 15 सालों से कड़ी मेहनत कर रही थी। उन्होंने देश को उग्रवादियों और आतंकवाद से सुरक्षित रखा और इन सब के बावजूद मुखर अल्पसंख्यक विपक्ष और उग्रवादियों ने सत्ता हासिल कर ली है। जॉय ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन इस समय हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कैसे निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाएंगे। एक तरफ ये भी देखा जाए तो वो अब अपनी परिवार की समस्याओं में उलझे हुए हैं, लेकिन अब ये उनके परिवार की समस्या नहीं है। हमने दिखाया है कि हम बांग्लादेश को क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश के लोग खड़े होना नहीं चाहते और वो इन हिंसक अल्पसंख्यकों का साथ देना चाहते हैं, तो लोगों को वही नेतृत्व मिला है जिसके वो लायक थे। बांग्लादेश में सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने स्पेशल विमान से गाजियाबाद तक उड़ान भरी और अब उसके बाद वो राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक हसीना बांग्लादेश वायुसेना के C-130 सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंची। हसीना के विमान के एयरबेस पर उतरने के कुछ समय बाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। माना जा रहा है कि हसीना को बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत के रुख से अवगत कराया गया है। भारत ने अभी तक बांग्लादेश के घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की। उम्मीद है कि विदेश मंत्री आज पड़ोसी देश के हालात पर संसद में बयान दे सकते हैं। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। बताया जा रहा है हसीना को किसी सुरक्षित स्थान में ले जाया गया है और सोमवार रात को उन्हें भारत से रवाना होने की संभावना थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी और अब अनिश्चितता का दौर है। ऐसे में हसीना कुछ वक्त लेकर के ही भारत छोड़कर जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।